अजमेर जिले के रूपनगढ़ में जमीनी विवाद के मामले में गोली लगने से मजदूर की मौत पर परिजन जेलन हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठे हैं, जहां मृतक की पत्नी सहित चार बच्चे हॉस्पिटल के बाहर धरना देकर सरकार से मुआवजे और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया गया है, जहां मृतक के चाचा ने बताया कि मृतक के बच्चों में से एक बच्चा मूक है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जहां परिवार का लालन पोषण करना आगामी दिनों में मुश्किल होगा, जिसके चलते सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। जहां मौके पर एसडीएम पद्मा चौधरी और सदर कोतवाली थाने के थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में पूर्व विधायक के बेटे भंवर सिनोदिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी बलभाराम जाट का नाम सामने आया है। बलभाराम हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि बलभाराम ने जेल से ही अपने भांजे के मोबाइल से एक दिन पहले पीड़ित को धमकाया था कि उसे जेल में धमकी दी गई थी कि जमीन पर काम किया तो जान से जाओगे। अब पुलिस बलभाराम को लेकर भी जांच की तैयारी में है। घटना घटी थी साहब, मैं रहता हूँ रामसर, मेरा भतीजा रहता था रूपनगढ़, उसकी सिस्टर रिया करती थी, चार साल से वही निवास कर रहा था, वही मजदूरी करता था, वही रहता था। अब मेरे पास फोन आया, तेरे भतीजे की गोली लग गई है और उसका इंतकाल हो गया है। मैं जैसे थाने में पहुंचा तो थाने में पहुंच के मैंने जो भी करना था वो कर, साहब ने पूछा कि तुम्हारा क्या लगता है क्या नहीं लगता, मैंने मेरा साहब भतीजा है और हमें तो यही की मांग है सरकार से, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को या उसके वाइफ को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक, नहीं तो हम डेड बॉडी ले जाएंगे और नहीं पोस्टमार्टम होने देंगे और हम धरने पे बैठे हुए। भैया अभी आपके झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण तो अभी वो लोग ही जाने, हमें क्या मालूम। जमीनी विवाद था, शकील का कुछ ही रोल नहीं था, शकील तो मजदूर था, दुकान पे मजदूरी कर रहा था, वो तो दुकान पे बैठे हुए आगे गोली लगी साहब, शकील का कोई रोल ही नहीं था। अभी मोची मैडम आई जी, आपसे क्या बात? मैडम ने तो ये आश्वासन दे गए कि भाई तुम्हारा जो भी सरकार की तरफ से सहायता उचित मिलती है वो तुम्हें मिल जाएगी। हमने मांग रखी साहब, जब तक कलेक्टर साहब से जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक हमें नहीं बताओगे कि भाई कितना सहायता मिलेगी, उसके बाद में हम डेड बॉडी को संभालेंगे। क्या क्या मांगे रखी है आपने? हमने मांगे रखी है एक तो बच्चों की सहायता सरकार की तरफ से और आरोपियों की सजा और एक सरकारी नौकरी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मृतक का नाम शकील है और मैं उसका चाचा हूँ, मोहम्मद शफीक।